इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा हमें समय और संसार के आर पार ले जाती है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे ऐसा बनाने में हमसे पहले आए लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में मानव समाज बदला। लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर इतिहास के झरोके से ही देखा जा सकता है। इतिहास पढ़कर ही हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। जो कविताएं इस श्रृंखला में हम सुनेंगे वे इतिहास की कुछ रोचक सच्चाइयों से हमें रूबरू कराएंगी। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला इतिहास एक कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये गीत। सबसे पुराने शहर। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम शहरों में हैं हड़प्पा सभ्यता के शहर। इनकी खोज एक इत्तेफाक थी। अंग्रेज जब पंजाब में रेलवे लाइन बनवा रहे थे तो इंजीनियरों ने इस जगह को देखा। उस समय यह जगह एक ईंटों के टीले जैसी दिखाई देती थी। यहां से बहुत बड़ी तादाद में ईंटें ले जाकर रेलवे लाइन बनाई जाने लगी और इस तरह से हड़प्पा के बहुत सारे स्ट्रक्चर खत्म हो गए। बाद में पुरातत्ववेत्ताओं ने जब इस जगह की खुदाई की तो पता चला कि ये तो भारत के प्राचीनतम शहरों के अवशेष हैं। कैसे थे ये शहर, आइए सुनते हैं। पक्के मकान थे, पानी के विशाल हमाम थे। ईंटों के पक्के मकान थे, पानी के विशाल हमाम थे। ढकी नालियां थी निकास को, ढकी नालियां थी निकास को। और सड़कें चौड़ी पक्की थी, और सड़कें चौड़ी पक्की थी। सिंधु नदी की घाटी में तब पहले पहले शहर बसे थे, पहले पहले शहर बसे थे।
धान्यगार था, अन्न रखने को धान्यगार था। खेती तब होती थी हल से, खेती तब होती थी हल से। घरों में जानवर भी थे पलते, घरों में जानवर भी थे पलते। सिंधु नदी की घाटी में तब पहले पहले शहर बसे थे, पहले पहले शहर बसे थे। सबसे पुराने शहर। अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन, आलेख एवं वाचन डॉक्टर इंदु कुमार, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर अनुजा बिसारिया और विनीत, ध्वन्यांकन बटी लैंगडिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।